नेक्स्ट हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है हाइड्रो हैलोजिनेशन, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रो हैलोजिनेशन किस तरह से हमारे को ये वर्क करना है, एक एल्किन लेनी है और एच आई एच बी आर कुछ भी इस तरह का रिएक्शन करना है। तो एक जनरल वे में हम डेफिनेशंस करते हैं, एडिशंस ऑफ एच एक्स ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशंस, हाइड्रो हेलोजिनेशंस। ये हमारे पास हुआ हाइड्रो हेलोजिनेशंस। रिएक्शन क्या होगी, पक्का? तो हमारे पास सीएल यहां अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन यहां अटैच हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो ये है हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशंस की पॉइंट। तो हाइड्रो हेलोजिनेशंस के बारे में जब सबसे पहले आया, जब मैकेनिज्म भी नहीं थी कि भैया एल्कीन में हेलोजन अटैच करना है, तो हेलोजन कहाँ अटैच करा जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये बताया अपन को मार्कोनिकॉफ ने। किसने बताया? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है पहले समझिए, कहाँ लगता है? हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ एच एक्स ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब बात आती है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या है, इट से दैट, लिखिए, इट से दैट सीएल माइनस, हाँ बेटा, सीएल माइनस अटैच्ड ऑन, सीएल माइनस का मतलब मैं यहां बोलूंगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ एच एक्स इज अटैच्ड ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी मार्कोनिकॉफ ये बहुत प्यार से समझा रहा है कि आपका एक्स वाला पार्ट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, आपने मार्कोनिकॉफ लगाया एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई, नॉर्मल मीडियम है या मीडियम ही नहीं है, ठीक है, कोई भी इस तरह की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल लेगा। यहां क्या लगेगा, एफ सी एल बी आर आयोडीन। तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स क्या रहेगा, सबसे ज्यादा होगी एच आई की रिएक्टिविटी, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल और सबसे कम होगी एच एफ की। फर्स्ट बिल्कुल ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है, आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, सेम थिंग। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड जानते हो, जिसमें परोक्साइड लिंकेज हो, जैसे आर सी ट्रिपल ओ एच, इसमें परोक्सी लिंकेज है, या कोई भी परोक्साइड कंपाउंड जिसमें परोक्सी लिंकेज है, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एडिशंस ऑफ एच बी आर, सिर्फ एच बी आर के लिए लग रहा है, बी आर
अटैच्ड या ज्वाइन अटैच्ड टू दोज कार्बन विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमारे लिए बिल्कुल अपोजिट चल रहा है. क्यों हो रहा है इसको? ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है. यानी कौन कौन सी रिएक्शन में हमारे को ऐसा देखने को मिलेगा? एक तो HBr होना चाहिए और एक परोक्साइड होना चाहिए. इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे, विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड अबव इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. यानी मार्कोनिक ऑफ का उल्टा, या फिर इसको बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट. ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से अगर एक भी चीज कम रह गई तो फिर हमारे पास खराश इफेक्ट नहीं हो पाएगा. कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर है? तो ये हमारे लिए पॉइंट हो रहा है. इसको थोड़ा एक बार और सिस्टमेटिक कर लेते हैं हम, और वो ये है हमारे पास कि अगर यहां पर HBr का एडिशन हो रहा है नॉर्मल और एक हो रहा है HBr इन परोक्साइड, तो अंतर मिलेगा. यहां Br इस जगह अटैच होगा जबकि यहां Br यहां अटैच होगा. कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी चीज, अगर ये कंपाउंड इस तरह का है और यहां HCl का ऐड हो रहा है, किसका? HCl का, और एक इस तरह से रिएक्शन हो रही है HCl परोक्साइड. यहां पर Cl इस जगह अटैच होगी और यहां पर भी होगी, दोनों जगह मार्कोनिक ऑफ रूल से, क्योंकि HCl के लिए मार्कोनिक ऑफ रूल ही लगता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगता ही नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती नहीं है. इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म. तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहां तक लिखिए. हमने अभी हाल कौन सा रूल पढ़ा? मार्कोनिक ऑफ रूल. अच्छे समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड मार्कोनिक ऑफ रूल्स, वो हमें डिस्कस करना है. और वो है हमारे पास, द मैकेनिज्म इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म. तो सही है, तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन. अब बहुत इजी वे में समझे कि आपके पास ये एल्कीन है और यहां आपके पास H प्लस और Cl माइनस है. समझना, H प्लस अटैक करेगा या नहीं करेगा? करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि एल्कीन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल. अरे चार्ज दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है आपको, और H प्लस क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियोफाइल है, उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है. तो होगा क्या, ये H प्लस अटैक करेगा और वहां करेगा कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो. तो ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक कर रहा है. हम हमेशा मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का साइन बताते हैं. तो अब आपके पास क्या रहेगा, और ये कार्बोकेटायन यहां बनेगा और आपके पास क्या बनेगा, Cl माइनस. अगली स्टेप में आपके पास क्या होगा, अगली स्टेप में ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, तो आपको वही प्रोडक्ट मिला जो मार्कोनिक ऑफ कह रहा था. क्या कह रहा था मार्कोनिक ऑफ? हैलोजन अटैच ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है हैलोजिनेशंस, हाइड्रोहैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन. तो ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके पास. क्या यहां पर 1-2 शिफ्टिंग होगी? हाँ होगी, अगर पॉसिबिलिटी है तो. फॉर एग्जांपल, देखिएगा HCl
ये एच प्लस पे अटैक करा, प्लस बोलो यस और नो। तो मैकेनिज्म से ये पता चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन टू शिफ्टिंग हो गई, माइग्रेशन रूल लगा दीजिएगा, मोर मोर बल्की ग्रुप या मोर प्लस आई एम एच माइनस सॉरी प्लस आई प्लस एच प्लस एम ग्रुप इजीली मूव। तो यहां तो सारे आइडेंटिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या लगाएंगे आप, सी एल माइनस। तो जो हमारे पास सी एल माइनस है तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, वाओ। अगर यहां पर कभी कायरलिटी है तो विशेष ध्यान रख लीजिए, आपके प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे क्योंकि कार्बोकेटायन भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ऊपर से भी आ सकता है फिर सीएल नीचे से भी आ सकता है। तो ये बातों का ध्यान रखें, आपके प्रोडक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपके पास क्योंकि ये कार्बोकेटायन है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बनाए आपको समझ में आ गया। ये आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते थे, क्या यहां मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, नहीं क्योंकि यहां रीअरेंजमेंट हो गया। इसलिए मैकेनिज्म हमें हमेशा जरूरी पड़ती है। तो इस तरह का एग्जांपल हो जाएगा, ये भी हमारे लिए हो जाएगा एक तरह से, जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको एंटी मार्कोनिकॉफ भी नहीं बोलेंगे। कोई डाउट? तो ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा तो फिलहाल अब आप इतने ही समझदार हैं तो अब बताइए HCl का एडिशंस क्या होगा एक और एग्जांपल के साथ। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल थर्ड, आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए? प्लस यहां लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और जब आप प्लस यहां लगाएंगे तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। और अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये यहां जाएगा, प्लस जहां आएगा उसके बास वाले में क्या आ जाएगा, कार्बन, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद वन टू शिफ्टिंग फिर होगी और प्लस यहां चला जाएगा और अब सी एल माइनस अटैच होगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तरह से क्लियर है। तो यहां वन टू शिफ्टिंग आपको कितनी बार देखने को मिली, जल्दी से बोले, एक बार, फिर एक और बार, बस खत्म बात। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा जो आपके मैंने सामने बनाया, लिखे इसको इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की, किसके अंदर, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बात करिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले अगर हमने बात करा, ध्यान से देखिएगा, HBr कुछ भी नहीं लिया, गैसेस फॉर्मेट में लिया तो भी यही बनेगा, और कुछ लेना है तो CCl4 ले लो, Br यहां अटैच कर दो। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कौन सी रिएक्शन होगी, मार्कोनिकॉफ रूल, बोलो क्लियर है? कार्बोकेटायन विल फॉर्म। तो यहां मैकेनिज्म क्या रहेगी, पहले एच आएगा तो यहां कार्बोकेटायन आएगा, एक एक करके कर लेते हैं तरीके से, पहले एच प्लस आएगा, कार्बोकेटायन यहां बना, अगला अगली स्टेप में क्या होगा, बी आर माइनस आएगा, अटैक करेगा और ये आपको यहां देखने को मिल जाएगी। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है कंसेप्ट? बोलो यस, बी आर वहां चला जाएगा। फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट आप सबसे पहले क्या ले रहे हो, सॉल्वेंट इज CCl4, यानी कि न्यूट्रल सॉल्वेंट ले रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो। दूसरा देखिए, अगर आपने सॉल्वेंट परऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया आपने, परऑक्साइड HBr और परऑक्साइड, तो मैकेनिज्म क्या होगी आपके पास, HBr
केवल HBr में ही परऑक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपके पास HBr Br डॉट बनाएगा, क्या बनाएगा? Br डॉट, Br डॉट भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैच होगा और फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां डॉट देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा और फ्री रेडिकल यहां ज्यादा स्टेबल होगा तो अगली स्टेप में एच डॉट आके यहां अटैच हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसे आप खराज इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ या ना, समझ में आ गई बात? तो दो इफेक्ट हो गए, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, अगर आपने सॉल्वेंट वाटर ले लिया, क्या ले लिया? वाटर H2O, यानी आपके पास है HBr प्लस H2O, जो कि एक्वस भी बोला जाएगा, इसमें H प्लस आ जाएगा और Br जो माइनस है इसको पूरा घुमा रखा है किसने? H2O ने। वाटर ज्यादा लेना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा आपको। तो यहां माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, उल्टा बना दिया मेरे को, हाइड्रोजन इधर लेना था, सही कह रहे? बी आर माइनस, हाइड्रोजन 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 प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा और इस तरफ ऑक्सीजन माइनस डेल्टा। तो ये आपके पास एक आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा जिससे ये अटैच हो गया बी आर माइनस। तो अब मैकेनिज्म क्या होगी? बी आर अलग हो चुका है, एच प्लस अलग है और वाटर पूरा उसको अलग कर चुका है बी आर में। एच बी आर वाटर एच टू एच, ये कार्बोकेटायन बना, बना या नहीं बना? यहां कौन अटैक करेगा? बी आर माइनस तो पूरा बंद है, तो अगली कंडीशन में कौन अटैक करेगा? तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा, आप सोच रहे थे यहां Br अटैक करेगा, नहीं करेगा, कौन करेगा? OH। तो कुछ बुक्स इसको समझाने के लिए HBr और H2O को OH माइनस Br OH माइनस बता देती है और मार्कोनिक ऑफ लगा देती है। सही मैकेनिज्म इस तरह से है, कोई डाउट नहीं है कि बी आर अटैच, जब भी एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एच टू होगा तो बी आर ओ एच होगा, ओ एच अटैच ऑन दोस कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड बी आर अटैच ऑन मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कुछ, लेकिन अपन को सही यही देखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एच बी आर वी गेट एल्कोहल। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमने तीन तरह के सॉल्वेंट पढ़े, एक CCl4, एक परऑक्साइड और एक वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए अपनी लैंग्वेज में। एक्वस HBr एडिशंस on alkene we get alcohol instead alkyl halide। alcohol मिलता है alkyl halide की जगह, लिख लें इसको।